आजकल आंखों का संक्रमण बहुत तेजी से बच्चों में फैल रहा है, और अगर किसी भी अभिभावक के साथ या बच्चों के साथ ऐसी समस्या होती है तो हमें क्या करना चाहिए? आंखों में जैसे लालपन, लालीपन आ जाता है, आंखों में खुजली होने लगती है, और ये संक्रमण बहुत तेजी से बच्चों के बीच फैल रहा है। तो सबसे पहले तो जो भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, अगर किसी को भी आपके आसपास ऐसी कोई समस्या है तो उससे थोड़ा सा आप दूरी बना लें, उससे भी कोई भी सामान ना लें। अगर घर में आपके किसी तरह की ऐसी समस्या है तो उस बच्चे का टॉवेल या रुमाल वगैरह किसी को भी प्रयोग में ना लाने दें, और पानी वगैरह वो या जो भी ग्लास वगैरह वो टच करता है उसके लिए 15 दिन तक आप एहतियात बरत के रखें, और विद्यालय अगर जा रहा है तो उसे जो है बंद करा दें। किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह लें, जो भी आई ड्रॉप्स वगैरह उनकी सलाह से ले सकें वो लें, और ज़्यादा से ज़्यादा आँखों को आराम देने का प्रयास करें। यदि विद्यालय जाना बहुत अवश्यंभावी है तो उन्हें जो है चश्मे लगाकर विद्यालय भेजें, इसी से दूरी इसको किया जा दूर किया जा सकता है। और अगर एहतियात नहीं बरतेंगे तो ज़्यादा समस्याएं गंभीर हो सकती हैं। ये बीमारी जो है 7 दिन से 15 दिन के अंदर अपने आप ठीक होती है। दवा का प्रिकॉशन, आंखों में जलन ना हो, समस्या ना हो, इसलिए लेते रहें, और जो है भीड़ वाले इलाकों से बचें, और बच्चे आपस में ज़रूर एहतियात बरतें। लंच में शेयरिंग या पानी वगैरह की शेयरिंग विद्यालय में जाके ना करें। जिन बच्चों को, अध्यापकों से अनुरोध है कि जिन बच्चों को ऐसी समस्याएं हो रही हैं उनको अलग सीट पर बिठाएं, और बच्चों से कह दें कि उस जगह पर उन लोगों से कम संपर्क स्थापित करें, जिससे पूरे विद्यालय में ये चीजें ना फैलें, और बच्चों को कुछ दिन के लिए छुट्टी अवश्य दे दें, जिससे जो है वो जो संक्रमण है वो फैलने से रोक सके। धन्यवाद।